वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पीटीआई मार्च के हवाले से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर दाखला को शाबाश दी गई। वज़ीर आज़म ने दौरे तुर्की पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। क्वेटा हमले की भी मजम्मत। क्वेटा में बुलेली रोड पर खुदकुश हमला, एक पुलिस अहलकार समेत तीन अफराद शहीद, 23 जख्मी हो गए। करीब से गुजरने वाली तीन गाड़ियां भी जद में आ गईं। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार मजम्मत। वज़ीर दाखला ने बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बीवी और तीन बेटियों का कत्ल, मुकदमा तहाल दर्ज ना हो सका। मुजरिम का एतराफ जुर्म, पुलिस को बताया कि वो मकरूज था, पैसों का मुतालबा किया जा रहा था। दो बेटियों को सोते हुए कत्ल किया, तीसरी रो रही थी, उसकी भी जान ले ली। बीवी ने मुजाहमत की कोशिश की थी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और शंघाई समेत कई शहरों में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ आवाम का एहतजाज, सिक्योरिटी एहलकारों का एक्शन, मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट से एक दिन कबल इंग्लिश कप्तान की तबीयत नासाज, बैन स्टोक्स समेत मुतअद्दिद खिलाड़ी बदहज़मी का शिकार, खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। इंग्लिश खिलाड़ी जो रूट कहते हैं कि आज का तरबियती सेशन लाजमी नहीं, ऑप्शनल था। टेस्ट ट्रॉफी की होने वाली तकरीब रोनुमाई अब कल होगी।